नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना बताने जा रहा हूं, जो बड़े ही भाग्य से मिलती है। ये साधना बहुत दुर्लभ साधना है। इस साधना को करने के लिए आप लाख रुपए खर्च कर देते हो, फिर भी ये पूरी पद्धति पूरी विधि आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो ये साधना है, ये भीम जो थे पांडवों के भाई, भीम महाबलवान जिन्होंने दुर्योधन आदि 100 भाइयों को मारा था, उस भीम की धर्मपत्नी माता हिडिंबा, जो हिडिंबासुर की बहन थी और घटोत्कच की माँ थी, और खाटू वाले जो श्याम बाबा है ना, खाटू वाले श्याम बाबा की दादी थी, खाटू वाले श्याम बाबा की दादी की ये साधना है, हिडिंबा माता की साधना है। ये साधना राक्षसी साधनाओं में बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत ही पवित्र साधना मानी जाती है। मतलब देवता तक इस साधना के सामने फीके लगते हैं। इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया साधना है, इतनी प्यारा फल देने वाली, इतनी तत्काल फल देने वाली, और साधक को जो हिडिंबा होती है वो अपने बेटे घटोत्कच या बर्बरीक के समान समझती है, उतना प्रेम अपने साधक से अपने पुत्र के समान वो करती है। ऐसी साधना कि वो अपने साधक पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं देख सकती और उन संकटों से साधक को तुरंत निवृत्ति दिलाती है। कोई उस व्यक्ति को यदि परेशान करता है तो हिडिंबा उसे छोड़ते नहीं। कोई उस व्यक्ति के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है बिना मतलब के, उसने कुछ नहीं किया है, और आप अगर ऐसे साधक के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हो तो ये समझ लो कि अब आपकी शामत आ गई, उल्टे दिन शुरू हो गए, बुरी गिनती शुरू हो गई। हिडिंबा अपने साधक का इस तरह से बेटे की तरह से ख्याल रखती है। इसके अलावा और क्या है, कोई आदमी कर्जे में डूब गया और कर्जा उतर नहीं रहा है, और माता हिडिंबा की साधना कर ली, चाहे अरबों का कर्जा हो चाहे करोड़ों का कर्जा हो, आपको ऐसा रास्ता जीवन में अवेलेबल माता करवा देगी जिससे फट से कुछ ही दिनों में आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। ऐसी ऐसी विधियां बता देगी। शादी नहीं हो रही है किसी भी प्रकार से तो हिडिंबा माता की साधना करने से फट से उसकी शादी हो जाती है। जो भी जायज काम है आपके, लीगल काम है, वो लीगल काम, जायज काम माता अपनी कृपा से आपको फट से पूरे करके देती है। लेकिन आपको भी माता से माता के समान ही प्रेम करना चाहिए, बेटे के समान ही प्रेम करना चाहिए। मां मान करके, देवी मान करके उनकी साधना करोगे तो खाटू वाले श्याम बाबा से भी ज्यादा बढ़िया फल उनकी दादी हिडिंबा देती है, और बेटे की तरह आपको रखती है। आपकी सारी की सारी समस्याएं, जो लीगल समस्याएं, वो आप चाहते हो कि मेरा दुश्मन मर जाए तो ये नहीं होगा, तो माता आपको छोड़ के चली जाएगी, वो सोचेगी कि फिर ये तो खुद दुष्ट है, ये मेरी क्या साधना करेगा। ये एक महाप्रचंड सात्विक साधना है। मतलब सात्विक साधनाओं में दुनिया की सबसे ऊंचे सात्विक साधना हिडिंबा साधना। हिडिंबा सात्विक साधना क्यों, ये तो राक्षसी साधना थी। हिडिंबा सात्विक साधना इसलिए है कि भीम ने हिडिंबा को सात्विक रहने के गुण बता दिए थे। उन्होंने कहा था कि सात्विक जीवन जो है वही जीवन सबसे ऊंचा जीवन है। तब से माता हिडिंबा को सात्विक साधनाएं, सात्विक लोग, सात्विक बातें, ये सब बड़ी अच्छी लगती है। साधक जितना सात्विक वृत्ति का होगा, जितना दूसरों के काम आने वाला, अच्छी वृत्तियों वाला होगा, दूसरों के दुख दर्द में भागीदार होने वाला, उतना ही हिडिंबा को पसंद आएगा, उतना ही उसके जीवन के कांटे हटा करके उसके जीवन को फूलों से भर देगी। ये साधना की कैसे जाती है तो मैं बताता हूं कि ये साधना 9 दिन की साधना होती है दोस्तों, और ये साधना तालाब के किनारे, नदी के किनारे की जाती है। लेकिन अब आजकल क्या है, बहुत जगह नदियां कम हैं, नदियां तो हर जगह अवेलेबल हो नहीं सकती, तालाब भी आजकल रहे नहीं है, तालाब भी बूर करके लोगों ने वो मॉल बना दिए, किसी ने बिल्डिंगें बना दिए, तो तालाब भी मिलना मुश्किल है, और तालाब भी ऐसा चाहिए जो लगातार भरा रहे, ऐसा तालाब मिलता नहीं है। तो आप एक पानी की टंकी कोई हो ऐसी घर में, पानी की टंकी कोई हो जिससे आप भर करके रखें, वो लगातार वो भरी रहे, वो खाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी टंकी के पास बैठ करके इस साधना को कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। माँ मान करके करोगे तो माँ तो कहीं भी आ सकती है, घर में आ सकती है, बाहर आ सकती है। आप साधना से ज्यादा भक्ति की तरफ ध्यान दो कि हम भक्तिमय साधना कर रहे हैं, माँ हम कोई साधना जानते नहीं। इसमें एक बात का ख्याल रखना, अज्ञानी बनकर के साधना करो। अज्ञानी बनकर के साधना ऐसे है कि आप पहले माँ से कह देना, हे माता, मुझे न जप आता है, न तप आता है, न तंत्र आता है, न मंत्र आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। हे माँ, मैं तो प्यार से, श्रद्धा से, नम्रता से
आपका नाम ले लेता हूँ, बस आपका नाम लेकर के हे माँ हिडिंबा आपकी साधना करूंगा, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप माँ हैं, माँ बेटे पर या बेटी पर, बेटी करे तो बेटी पर, बेटा करे तो बेटे, तो बोल देना माँ बेटे या बेटी पर कृपा करती है, तो हे माँ आप तो बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आपके समान तो कोई दयालु माता मिलना ही मुश्किल है, हे दयालु माता, हे कृपालु माता, मुझ पर कृपा करो और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करो और मेरी साधना को निष्कंटक पूरा करो। इस तरह से अज्ञानी बनकर के साधना करना, ये हुनर है। अज्ञानी बनकर के, जितना अज्ञानी बनकर के इस साधना में प्रवेश करोगे ना, उतनी कृपा प्राप्त जल्दी होगी, और जितना ज्ञानी बनकर के विद्वान, क्योंकि ज्ञान खुद एक तमस है, मैं ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बिल्कुल बारीक से बारीक बात जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं, ये जो बात है ये भीतर तमस पैदा करती है, और तमस मैंने कहा हिडिंबा को पसंद नहीं है, हिडिंबा को तो सत्वगुण ही पसंद है सबसे ज्यादा, तो सात्विकता विनम्रता में, सात्विकता अज्ञान में, अज्ञानी बने रहने में, अज्ञानी होने में नहीं, अज्ञानी बने रहने में सात्विकता, मतलब आपके पास कितना ही ज्ञान हो, जब आप साधना करो तो यही कहो हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है कि इतने लंबे समय से कोई नियम बदल गया, आपके भी नियम बदलते, मोबाइल भी बदलते, पहले वो बटन वाला आता था, फिर एंड्रॉयड आने लगा, अब तो 4G, फिर 5G, फिर 7G, फिर 8G, पता नहीं कौन कौन सा जी, पार्ले जी के बाद में कितने जी लगेंगे पता ही नहीं, ये जी बढ़ते ही जा रहे, तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, हो सकता है कि जो साधना हम करें उस साधना में भी कोई परिवर्तन, कोई लाइन का परिवर्तन आ गया हो, दिनों का परिवर्तन आ गया हो, माला का परिवर्तन आ गया हो, हमें पता नहीं हो, इसलिए अज्ञानी बनकर के साधना करने में बड़ा लाभ है। आप इस साधना को अज्ञानी बनकर के करें और इस साधना में लाभ उठाएं, प्रचुर लाभ उठाएं, जितना अज्ञानी बनकर के साधना करोगे आपको लाभ मिलेगा। इसमें तीन बलि होती है, वो देनी पड़ती है, डर गए ना, मैं मुझे पता था कि बलि का जब मैं नाम लूंगा तो लोग ऐसा कहेंगे कि जैसे बकरा काट करके, भैंसा काट करके तीन बलि देना पड़ेगा, वैसा नहीं, नहीं ऐसी बलियां नहीं दे सकते, ऐसी बलियां देनी भी नहीं है। मैंने कहा सात्विक साधना है तो सात्विक साधना में कोई बकरा कटता है, भैंसा थोड़ी कटता है। तीन बलियों का मतलब है, बलि का अर्थ होता है बलपूर्वक दिया गया दान, उसे बलि कहते हैं। आपके आप में जितना बल हो उस बल के अनुसार, बल के अनुसार दिया गया दान आपका बलि माना जाता है, है ना, बल के अनुसार दी गई भेंट बलि मानी जाती है, बल के अनुसार दिया गया दान बलि मानी जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बल के अनुसार बकरा आता हो, भैंसा आता हो, नहीं नहीं, बल के अनुसार बलि आपको कैसे देनी है, तीन बलियां होती है इसमें, एक होती है पितृ बलि, एक होती है अतिथि बलि और एक होती है जीव बलि। इन तीन बलियों में आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे पितृ बलि में तो आपको जो जितने दिन 9 दिन आपकी साधना चलेगी ना अमावस्या से, तब तक आपको रोज पितरों के नाम से तर्पण करना पड़ेगा, पितरों के नाम से रोज तर्पण करना पड़ेगा, पितरों के नाम से आपको चुगा पानी देना पड़ेगा, अन्न देना पड़ेगा, थाली देनी पड़ेगी, कहीं भी दो, ब्राह्मण के घर दो या फिर कौओं को दो, किसी को दो, पितरों के नाम से आपको थाली देनी पड़ेगी, चाहे पीपल में रख के आओ, भोजन बना के, प्रसाद बना करके, जब तक साधना चलती है तब तक आपको ये रोज रख के आना पड़ेगा। दूसरी बलि अतिथि बलि, अतिथि बलि में आपको क्या करना पड़ता है, घर में कोई भी मेहमान आ गया, चाहे भिखारी आए, चाहे शेठ आए, चाहे राजा आए, चाहे मोदी जी आए, कोई भी आपके घर कोई भी आ गया, वो एक तो पहली बात यह है कि निराश होकर के नहीं जाना चाहिए, दूसरा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तीसरा भोजन करके या पानी पी करके जाना चाहिए। कोई भी आया हो पानी तो उसे पिलाओ ही पिलाओ, पानी तो प्रथम है, हिडिंबा साधना में पानी की पहले स्थान पानी का आया, जल पिलाए बिना तो आप कुत्ते को भी मत जाने दो घर के द्वार पर, अगर कुत्ता भी आ गया, गाय भी आ गई, तो एक पानी का बर्तन आप हमेशा घर के बाहर रखा ही रखो, उसमें आप पानी भरे ही रखो, वो खाली नहीं होना चाहिए, वो कुत्ता गाय कोई भी आए वो पीकर के ही जाना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी आदमी अतिथि कोई भी आ गया हो उसको पानी तो कम से कम पानी, शरबत, दूध, चाय, कुछ भी उसको लिक्विड पिला करके आप घर से विदा करोगे, नहीं तो नहीं करो, ये नियम बनाओ कि भाई कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, आपने अनुनय विनय के बाद भी अगर कोई नहीं करे तो एक अलग बात, फिर आपको उसमें कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती ये नहीं गला पकड़ करके अंदर ला करके ऐसे नहीं करना है, मर्जी से पिए तो ही पिलाना है, 2-3 बार आपको पूछ लेना है, नहीं नहीं पानी पी के जाना पड़ेगा क्या, आप पानी तो आप पी के जाइए, ऐसे विनम्रता से पूछ लेंगे तो बढ़िया है। अतिथि बलि, दूसरी बलि, तीसरी बलि जीव बलि। जीव बलि में क्या होता है, तीन प्रकार के जीव होते हैं, तीन प्रकार के जीव होते हैं, एक उभयचर होता है, एक नभचर होता है, एक थलचर होता है। जल में रहने वाली मछलियां हैं उनको आप दाना डालोगे, और थल पर रहने वाले गाय कुत्ता है ये जो भी कोई आपके नजदीक पड़ गया उसको आप कुछ ना कुछ खाने की चीज दोगे, ये दूसरी बलि है। और आकाश में रहने वाले पक्षी हैं, कबूतर है, कौवे हैं, जो भी आकाश में रहने वाले पक्षी उनके लिए आप अनाज डालोगे रोज, ये जो है वो जीव बलि। ये तीन बलियां आपको रोज देनी पड़ती
अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना अमावस्या की रात को 11 बजे से शुरू होती है। 11 बजे आपको ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे, काले कपड़े पहनने पड़ेंगे, पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखना पड़ेगा। पूर्व दिशा की मुंह रख करके एक देवी का चित्र आप अपने सामने रखिए, देवी का चित्र रख करके सामने, और देशी घी का, शुद्ध देशी घी का दिया जलाना पड़ेगा। इसके अलावा आप जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, रोली मोली कुमकुम चावल जो कुछ भी जितना भी आप जानते हैं देशी पूजा करना, उस पूजा के अनुसार आप माता जी की पूजा करें। आप समझिए दुर्गा माता की पूजा कर रहे, ज्यादा विधि विधान आपको आता नहीं है, तो जो कुछ भी आप जानते हैं वैसी वैसी पूजा आप कर लिए। गुड़ चढ़ा दीजिए, मीठा चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, ये चढ़ा दीजिए, वो चढ़ा दीजिए, जो कोई भी आपके साथ सामग्री हो, धूप दीप चंदन नैवेद्य जो कुछ भी हो चढ़ा दीजिए, और माता की आज्ञा लेकर के आप साधना शुरू कीजिए। अब ये साधना एक छोटी सी बात है कि साधना में एक बार जिस समय आप पूजा करो उस समय एक काम करना है। क्या काम करना है कि एक जो मंत्र है ना हिडिंबा माता का, उस मंत्र से ही आपको फूल चढ़ाने, उस मंत्र से फल चढ़ाने, उस मंत्र से जल चढ़ाना, उस मंत्र से कुमकुम चढ़ाना, उस मंत्र से जो कुछ भी आपके पास सामग्री है उसी मंत्र से आपको चढ़ानी है। और चढ़ाने के बाद में अब वही मंत्र आपको 131 माला, देखिए थोड़ी सी मेहनत करूंगी, माफी चाहता हूं मैं ऐसी बकवास बातें नहीं कर सकता, मैं जो रियल बात होगी जिसमें दम होगा जिसमें सिद्धि होगी वही बात आपके सामने करूंगा। तो एक माला जब लो सिद्धि हो जाएगी, ऐसी बातें मैं बकवास बातें नहीं कर सकता, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो वास्तव में साधना हो, जिससे वास्तव में शक्ति प्रकट होती हो, जिससे वास्तव में दूसरों का भला होता हो, मैं वही बात करूंगा। और इससे ये बात है कि काली ऊन का आपको आसन चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, काला आसन हो, इस प्रकार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। कोई उसमें लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी सरल साधना है। इस साधना को 9 दिन लगातार करना पड़ता है। 131 माला 108 मनकों की आपको गुरुमुखी के अंदर फेरनी पड़ेगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इस प्रकार से आपकी 9 दिनों में साधना होगी, और 9वें दिन हो सकता है कि माता आपको दर्शन भी दे दे। यदि आपकी सरलता ज्यादा रही तो माता दर्शन भी दे देगी, और सरलता नहीं रही तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। इस सिद्धि को प्राप्त करके आप दूसरों का लाभ कर सकते हैं, खुद का भी लाभ कर सकते हैं, अपने परिवार का लाभ कर सकते हैं, पड़ोसियों का लाभ कर सकते हैं, पूरे देश में जो कोई भी आपके आमने सामने कोई भी आपका मित्र हो किसी के लिए भी आप अच्छी, जो भी उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो उसको अच्छी खबर दे सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको प्रॉब्लम को मिटा सकते हैं, कोई भी समस्या उसे निकाल करके फेंक सकते हैं। माता हर अच्छे आदमी के लिए तैयार खड़ी है, हर सात्विक व्यक्ति के लिए तैयार खड़ी है। आप ये साधना करके एक अच्छा काम कर सकते हैं, इस धरती पर अच्छे अच्छे कृत्य कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये साधना आपकी पूर्ण होती है। तो अब रहा मंत्र दोस्तों, वो मंत्र है ओम हिडिंबा आगच्छ स्वाहा, ओम हिडिंबा आगच्छ स्वाहा, ओम हिडिंबा आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप कीजिए और लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन का बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।